अच्छा, निर्दलीय में ये लोग भी लड़ रहे हैं, विनोद यादव, गुंजन सिंह, ये सब का क्या होगा? ये सब तो बेकार लड़ रहा है सर, बाहर वाला खे खे जाए घर के गावे गीत, ये सब जीतेगा सर? माना चाहिए विवेक ठाकुर बढ़िया है, खराब थोड़े नेता है। हम श्रवण कुशवाहा के देंगे। श्रवण, विनोद यादव तो ये गांव के जानवे न कहते न चिन्हते है, पहचानते हैं विवेक ठाकुर को? अभी तो नहीं देखे हैं सर, अभी तो नहीं देखे हैं सर। गुंजन सिंह भी नहीं जानते हैं? गुंजन सिंह भी नहीं जानते हैं? हर बार तो बाहर के जीतिए जा रहे हैं, कुछ करके नहीं जा रहे, लेकर और भाग जा रहे हैं यहाँ से। क्षेत्रीय रहता वो बढ़िया था, लेकिन बाहर वाला जो बाहर साल लूट के ले जा रहा है वो हमको ठीक नहीं है। हमारे गांव में स्कूल तक, स्कूल का बिल्डिंग नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी बढ़िया काम किए हैं सर। अरे कभी सांसद आए हैं आपके? आए नहीं, आए भी नहीं किया है। आप पुराना सांसद का नाम नहीं जानते? नहीं नहीं नहीं, देखे यहाँ लेकिन नहीं कोई आया है। मोदी जी अच्छा आदमी है सर, काम किए बढ़िया। क्या काम किए? इतना दिन झगड़ा था तो नरेंद्र मोदी कितना दिन का रगड़ा मिटा दिए, जो मंदिर बना दिए, कौन चीज कर दिए। नवादा लोकसभा में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं। नवादा लोकसभा के लोग क्या कुछ सोचते हैं, हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। इस बार किस मुद्दा को लेकर ये लोग वोट करेंगे, सारी बातें करेंगे, क्योंकि चुनावी समर है और चुनावी समर में ये लोग अभी भगवान होते हैं नेताओं के लिए, और इनके पास अभी सभी नेता पहुंचेंगे, तमाम प्रकार का भरोसा इन्हें देंगे। सामने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, बैठ करके गांव के ही समीप एक पीपल के पेड़ के पास मनोरंजन कर रहे हैं। बाकी ये लोग बताएंगे कि मनोरंजन के साथ साथ इस बार किसको अपना सांसद चुनेंगे, किसको इस बार अपना नेता चुनेंगे, किसको नवादा से दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इधर घूमिए भैया, मौका हमको दीजिए पहले। क्या नाम हुआ? बबलू चौहान। बबलू चौहान, आप लोग नवादा लोकसभा के हैं? हाँ है। हाँ है। इस बार तो चुनाव हो रहा है फिर लोकसभा का? हो रहा है तो उनसे पूछिए। अरे आप ही बताइए ना, वोट आप कीजिएगा ना, चुनाव हो रहा है ना। हाँ हो रहा। किसको इस बार सांसद बनाइएगा आप लोग? अब जे गार्जियन देंगे सर, उन्हीं को हम लोग नहीं देखे। आप भी तो अब गार्जियन हो गए, बच्चे 18 साल आपका उम्र हो गया है ना, आपके भी बच्चे हैं, आपका हाथ में आपका भविष्य है ना। किसको वोट कीजिएगा इस बार, कौन अच्छा नेता आपको लगते हैं? अच्छा, नवादा में चार प्रत्याशी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, मालूम है ना आपको? पहला है विवेक ठाकुर, दूसरा है श्रवण कुशवाहा, तीसरा है विनोद यादव और चौथा है गुंजन सिंह गायक, है ना। तो चार प्रत्याशी है एकदम सबसे ज्यादा चर्चा वाला, है ना। तो भाई एगो मोदी जी के पार्टी के हैं, एगो लालू जी के पार्टी के हैं, आई दू गो निर्दलीय हैं, तो किसको अच्छा है? बोलिए कौन अच्छा लगते हैं आपको? हम श्रवण कुशवाहा को देंगे। श्रवण कुशवाहा को देंगे। अच्छा, श्रवण कुशवाहा का है अच्छा लगता है आपको? उतना पूछिएगा तो हम जवाब दे सकते हैं। हाँ, युवक है। देखिए और चाचा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए क्या नाम हुआ चाचा? हमारा रामजी चौहान। रामजी चौहान। अच्छा, नवादा लोकसभा में इस बार आप किसको? हम तो वोटे नहीं देंगे, नवादा वोट में रहबे करेंगे हम। अरे रहिएगा नहीं कैसे, ये तो होने वाला है नहीं? नहीं, हम जो रहते हैं ड्यूटी में चल जाते हैं। अच्छा, लेकिन कौन अच्छा नेता आपको लगता है? चार प्रत्याशी। हमारा तो नेता लग रहा है यही ठीक है ना, युवक में। कौन? श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा। क्यों श्रवण कुशवाहा लगता है, क्या कारण है? क्षेत्रीय है। अच्छा, यानी नवादा में इस बार क्षेत्रीय और बाहरी का मुद्दा है ना, कि भाई स्थानीय सांसद आप लोग ये चाहते हैं? अच्छा, तो स्थानीय तो विनोद यादव भी है, गुंजन सिंह भी है, ये सब क्यों नहीं? विनोद यादव तो ये गांव के जानवे न कहते न चिन्हते हैं। अच्छा, यानी विनोद यादव इस गांव में आते उते नहीं है, उनका कोई ताल्लुकात नहीं कुछ है? कुछ नहीं। अच्छा, गुंजन सिंह क्यों नहीं? गुंजन सिंह भी नहीं जानते हैं। गुंजन सिंह भी नहीं जानते हैं नहीं, इसलिए श्रवण कुशवाहा को आप लोग दीजिए। एक दो बार मुखिया में खड़ा हुआ था, तुम खड़ा होते, एक दो बार गाँव आया है तो उसी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो ऐबे नहीं करते, जो जानिए नहीं रहे, उसको क्या सपोर्ट करेंगे हम लोग? अच्छा, प्रधानमंत्री के किनको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो बनना चाहता है उसी को। किसको? मोदी जी को। मोदी जी को। तो मोदी जी के अदमिया के नीचे आप वोट? मोदी जी के अदमिया दे दिया बाहर वाला, बाहर एक लौट के उसको नवादा क्षेत्रीय के नेता के कोई काहे ने वोट दिया, होते दिया टिकट तब? यानी क्षेत्रीय का मांग है आप लोगों का? हम लोग का क्षेत्रीय। हर बार तो बाहर के जीतिए जा रहे हैं, कुछ करके नहीं जा रहे, लेकर और भाग जा रहे हैं यहाँ से।
अच्छा, तो यानी इस बार भी भरोसा है कि भाई फिर लेके भाग जाएगा? है ना, भाग भाग जाएगा। इस बार भी आप लोगों को है कि भाई फिर लेके भाग जाएगा भाजपा वाला? तो देखिए, इन लोगों को भी लग रहा है कि भाई हमारा घर का बेटा सांसद हो, स्थानीय कोई सांसद हो, और इसलिए ये लोग इस बार गांव के ही और घर के ही जिले के ही बेटा को अपना सांसद चुनेंगे। भाई आज नहीं, इधर घूमिए, ना ना घूमिए ना, इधर घूमिए। बोल तो आप रहे किए हैं ना, बोलने में कैसे आता है? अच्छा घूमिए ना इधर, है लगा का कि ससुराल में तू आ लगा बात बुरा। तस्मा कैसे खेल लो? खेल लेते हैं। हाँ चला इधर घूम, ना ना हमको समझ में नहीं आता, ना समझ में ना कैसे थे। अच्छा मोदी जी अच्छा लगा, कौन की लालू जी हमको बोलने नहीं आता। देखिए इनको बोलने नहीं आता, बोल भी रहे हैं, है ना। एक चाचा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए चाचा, तमाकू हो गया फाइनल? हाँ, किसको सांसद बनाइएगा इस बार? इस बार क्षेत्र हम लोग क्षेत्रीय रहता वो बढ़िया था, लेकिन बाहर वाला जो बाहर साल लूट के ले जा रहा है वो हमको ठीक नहीं है। यानी क्षेत्रीय हो? बात क्षेत्रीय, विकास करे या ना करे? हाँ तुम कह रहे हैं ना करे, लेकिन क्षेत्रीय होना। अच्छा पिछला बार जो सांसद थे वो कुछ किए हैं आपके गाँव में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। पिछड़ा जाती है पिछला, यानी आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल तक, स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, स्कूल 200 घर का गांव है, 900 करीब कुछ वोट है, लेकिन यहां तक आज स्कूल का बिल्डिंग नहीं है। कभी सांसद आए हैं आपके गांव में? आए नहीं, आए भी नहीं किया है। विधायक? विधायक है, आया है एक दो बार। अच्छा, लेकिन सांसद कभी आई भी नहीं किया है। सांसद कभी नहीं आए? नहीं आए। आपके गांव में कोई सांसद के नाम का बोर्ड उड़ लगा, काम वाला बोर्ड? कुछ नहीं, कहां सांसद वाला बोर्ड कहां लगा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो इस बार वोट नहीं, आप लोग स्थानीय को दीजिए बस, स्थानीय। कौन सबसे अच्छा, चार को प्रत्याशी कौन सबसे अच्छा लगता है? अब ये दो वो तो है, ये आपको ये अभी खड़ा हो रहा है निर्दलीय से, लेकिन जो टिकट से है उन्हीं को दिया जाएगा, टिकट से वाले को दिया जाएगा। तो कौन है सबसे अच्छा, यानी राजद वाला को? हाँ नहीं, राजद वाला वो जो है विवेक ठाकुर सरवन के, तो सरवन कुशवाहा राजद से? हाँ, लालटेन से है। हाँ सरवन को दिया जाएगा। अच्छा तो प्रधानमंत्री किनको बनाइएगा? प्रधानमंत्री तो मोदी रहेंगे। तब मोदी जी कैसे बनेंगे जब यहाँ आप लालटेन में वोट दीजिएगा, तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री हो जैसे ही मैं, लेकिन बने प्रधानमंत्री के लायक मोदी जी हैं। तो फिर वोटवा यहाँ आप नहीं ना दीजिएगा प्रधान? आप कह रहे हैं कि भाई दूसरा को हम देंगे? आदमी नहीं आता है उसका तो करेगा क्या है, यानी स्थानीय नहीं है इसलिए आप लोग नहीं दीजिएगा? नहीं। तो देखिए प्रधानमंत्री ये लोग मोदी जी को ही पसंद करते हैं, लेकिन सांसद जो है इन लोगों का मांग है कि हमारा सांसद स्थानीय हो, और स्थानीय नहीं होने के कारण ये लोग इस बार मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। नहीं नहीं ना, तब मोदी जी को वोट तो नहीं दीजिएगा तो कहाँ से देंगे? तो देखिए ये चाचा हैं और इन लोगों का भी मांग है कि हमारा सांसद स्थानीय हो। क्या चाचा आप भी वही चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही। क्या होना चाहिए? सही मान के चलिए, जैसे हमारा क्षेत्र के रहते हैं तो अच्छा सुविधा रहता है हर चीज में, आसानी से मिल जाएंगे। हाँ हाँ सही। अच्छा जो पुराने वाले सांसद थे आपके गांव में आए हैं कभी? नहीं नहीं। के थे पुराना वाला सांसद? कोई नाम जानते हैं पुराने सांसद का? नहीं नहीं नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आते हैं। के रहे चंदन सिंह? तो बताइए, नहीं आते हैं यहाँ पर। आप पुराना सांसद का नाम नहीं जानते? नहीं 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 नहीं। तो देख लीजिए, देखिए आप हमसे मिले तब ना हम आपको चिन्हेंगे, अब नहीं मिले तो कैसे चिन्हेंगे? सही बात है कि नहीं? तब आप हमसे मिले, आज हम देखें कि आप आए हैं तब ना आपको हम चिन्हे, ना तो ऐसे हम कैसे चिन्हेंगे? अच्छा प्रधानमंत्री कौन बने बनना चाहिए, किनको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो भाई अब देखिए जैसे ये हो गए नगेंद्र, ये क्या बोलते हैं इसको, नगेंद्र मोदी, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन मान के चलिए यहाँ तो हम लोग हमारा विकास तो नहीं है, हैं तो इसलिए हमको किसी के नहीं मानते हैं, जो हमारा अगला विकास देगा उसी के मानेंगे। अच्छा यानी स्थानीय स्तर पे मोदी जी का विरोध है आप लोगों को? हाँ, हाँ। लेकिन देश के स्तर पे मोदी जी के सपोर्ट में है? हाँ, है ना। हाँ, अगर मोदी जी स्थानीय को टिकट दे देते तो आप लोग एकदम मोदी जी को वोट देते? एकदम। लेकिन इस बार नहीं दीजिएगा? नहीं हाँ नहीं।
तो देखिए ये लोग नवादा लोकसभा के वासी हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि नवादा का सांसद जो नवादा का जो नेतृत्व करे वो स्थानीय हो और स्थानीय सांसद इन लोगों का डिमांड है ताकि स्थानीय स्तर पर विशेष तौर पे विकास ज़्यादा हो सके। एक और चाचा हैं, चलिए चाचा खड़ी हो जाइए, एकदम दीवार के भरोसे मत रहिए। क्या नाम हुआ? हमारा प्यारे चौहान। प्यारे चौहान, कौन सांसद बनना चाहिए इस बार? बनना चाहिए विवेक ठाकुर, बढ़िया है, खराब थोड़े नेता है। चाचा आपके गांव वाला कुल कर रहे हैं कि भाई सरवन कुशवाहा आरजेडी वाला बाहरी वाला नहीं, उन लोग हम लोग थोड़े जानते हैं सर। विवेक ठाकुर बनना चाहिए? हाँ बनने चाहिए सर। का है? अरे नरेंद्र मोदी बढ़िया काम किए हैं सर। अरे करे अथवा नहीं करे लेकिन काम तो अच्छा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई स्थानीय नहीं है, अब तो घर का बेटा नहीं है। हाँ ये तो बात है, लेकिन क्या कब बनना चाहिए उन्हीं को, नरेंद्र मोदी को। वोट आप यानी आप वोट दीजिएगा मोदी जी के नाम पे? हम देंगे। यानी आप विवेक ठाकुर को वोट दीजिएगा? हाँ देंगे। पहचानते हैं विवेक ठाकुर को? अभी तो नहीं देखे हैं सर। अभी तो नहीं देखे हैं सर। अच्छा पुराने वाले सांसद को पहचानते हैं? हाँ उनको जानते हैं। कहाँ देखे थे पहली बार? पहली बार हमने वादा में मीटिंग हो रहा था उस जगह देखे हैं। अच्छा मीटिंग में? हाँ मीटिंग में देखे यहाँ, लेकिन नहीं कोई आया। यहाँ कोई आया नहीं? नहीं सर। लेकिन फिर भी वोटवा दीजिएगा विवेक ठाकुर को? हाँ देंगे सर, आवेंगे तो देंगे। अच्छा मोदी जी का है आपको अच्छा लगता है चाचा? मोदी जी अच्छा आदमी है सर, काम किए बढ़िया। क्या काम किए? इतना दिन झगड़ा था तो नरेंद्र मोदी कितना दिन का रगड़ा मिटा दिए, जो मंदिर बना दिए, कौन चीज कर दिए, तो कैसे नहीं अच्छा है सर? अच्छा तो आइए है। यानी राम मंदिर बना? राम मंदिर बना दिए, कितना दिन का लड़ाई था, आज मिटा करके वो बढ़िया काम किए तो अच्छा नहीं किए? वो गलत थोड़े किए हैं। लेकिन कुछ लोग यानी आफी के गांव वाला कह रहे हैं कि नई बार स्थानीय सांसद होता। अभी तो बोलेगा सर, लेकिन कोई आवेगा पार्टी तबे न सर है? पार्टी तो अभी पहुंचा है नहीं सर। अच्छा। बोलने से क्या होगा सर? बोलने दीजिए, जिसको जो अनुमति आता है सो बोलता है। ये तो अपना मर्जी का बात मत है, मत है सर। हाँ अच्छा निर्दलीय में ये लोग भी लड़ रहे हैं, विनोद यादव, गुंजन सिंह, ये सब का क्या होगा? ये सब तो बेकार लड़ रहा है सर, बाहर वाला खे खे जाए घर के गावे गीत। ये सब जीतेगा सर जब बनेगा तब, बीजेपी के नेता बनेगा तो आप सुन लीजिएगा सर, जब भी बनेगा तो अब बीजेपी का। हाँ तो देखिए ये तो बेकार नेता, तो खाली बीच में इनको लालटेन को जो टिकट मिला है उसको उड़ाने के लिए टड़ा हुआ है। तो हाँ सर सही बात है सर, एकदम दिल खोल के बोल रहे हैं। हाँ सही बात है सर, ये बिल्कुल ही टिकट खाली वोट कार्ड बर्बाद करने के लिए इन लोग बर्बाद कर रहा है, आई नहीं देखता कि किसको वोट देना चाहिए। तो देखिए ये चाचा हैं जो मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी के समर्थक हैं और ये नरेंद्र मोदी को ही वोट करेंगे, विवेक ठाकुर को वोट करेंगे। और हकीकत तो यह है कि विवेक ठाकुर को वोट नहीं करेंगे बल्कि मोदी जी को वोट करेंगे, उनके चेहरे पर वोट करेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने विवेक ठाकुर को ना तो देखा है ना उनसे इनकी कोई जान पहचान है, फिर भी मोदी जी के ये भक्त हैं। इनका कहना है कि मोदी जी ने जो काम कर दिया है, जो देश में उन्होंने लकीर खींच दी है, वो शायद किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है और किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, इसीलिए ये विवेक ठाकुर को वोट करेंगे। जबकि इन्हीं के गांव के कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा सांसद स्थानीय होता, अगर स्थानीय होता तो विकास ज़्यादा होता, लेकिन फिर से भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार उतार दिया है, तो बाहरी बनाम अंदर यानी घर की लड़ाई है, इसलिए ये लोग बाहरी को वोट नहीं करके घर के बेटा को वोट करेंगे, लेकिन ये चाचा मोदी जी का वोट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके मन में भी क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नवादा लोकसभा में कौन सांसद बनेंगे ये आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका भी कमेंट मायने रखता है। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।